जब आप नई गाड़ी लेते हो सबसे पहले ये चीजें रखते हैं गाड़ी में। ये सिर्फ गन था जो कि मम्बा में था, लेकिन ये जायनमाज और ये चीजें। लेट्स टेक दिस टुवर्ड्स द कार एंड कीप देम देयर। ये सब कुछ अपनी नई लेडी में सेटल कराते हैं और फिर निकलते हैं। बहुत से काम है लिस्ट में, वो सब कुछ कराते हैं। एंड लेट्स गो आउट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आया है माशाल्लाह। बाय द वे, जो प्लास्टिक्स वगैरह आप लोग देख रहे हो इधर उधर, ये मैंने खुद नहीं लगाए, ये ऑलरेडी थे और मैं हटाऊंगा ये चीज, क्योंकि आई एम गोना एंजॉय दिस ब्यूटी एंड आई एम गोना मेक दिस ब्यूटी मोर ब्यूटीफुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेट्स सेट इन इट, लेट्स डू द फर्स्ट कोल्ड स्टार्ट। Lot of things to change in this beauty. Inshallah, inshallah, you guys will see. अभी ये है फिर एग्जॉस्ट होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये बात भी अच्छी कही आपने। Let's add it to the list. Bye 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 bye. Shashka. Hi hi hi. Let's do this. ये शशका मम्बा में नहीं था यार बेचारा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। By the way, this is almost my first time driving, क्योंकि मैंने सिर्फ ये गाड़ी 2-3 मिनट ही चलाई है। मैंने मेरे बड़े भाई और वालिद साहब के लिए छोड़ी थी, क्योंकि पहली बरकत उन्होंने डालना था। अभी मैं चला रहा हूँ एंड आई एम गोना टेल यू गाइज द एक्सपीरियंस विद इट, मम्बा कैसे थी, ये कैसी है वगैरह। और उसके अलावा वी हैव अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द लिस्ट एंड वी नीड टू डू देम एज सून एज पॉसिबल। सो बी विद मी एंड वी हैव टू डू small things in this car today, not a lot, lekin let's go. Yaar abhi gaadi enjoy kar raha tha aur horn mara to ye suno music. Ye kya hai, isko bhi change karna padega. Add it to the list. I auto nahi khul raha, iske sills kamzor hai, ye bhi change karne padenge. Pata nahi kya ho jata. ये है हमारा बैंकिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। एक बैंकर गया, सिस्टम खराब है, दूसरा बैंक गया, सिस्टम खराब है, तीसरा गया ही नहीं। भाईजान सेल्स भी खत्म है बैटरी का, इधर बैटरी के सेल्स भी खत्म थे तो ये भी चेंज नहीं हुए। आई एम एंजॉयिंग द स्टॉक लाइफ यू नो, कुछ काम वगैरह थे तो गाड़ी जिस जगह चढ़ा चढ़ जाता है, जैसे चलाओ माशाल्लाह। और बाय द वे गाड़ी बड़ी स्मूथ है, ओरिजिनल ओरिजिनल 65 के चली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी विद द कार। बस कुछ चीजें हैं जो कि जब आप नई गाड़ी लेते हो, जैसे इंजन ऑयल चेंज करना, ट्यूनिंग करना, इस गाड़ी को अपने हाथ में लाना, तो उसके लिए कुछ चीजें करने पड़ते हैं। सो वी विल डू दोस थिंग्स टुमारो, क्योंकि आज हम लेट है। आज हम छोटे छोटे से काम करेंगे, जैसे टेंट वगैरह हो गया और उसके अलावा थोड़े बहुत से काम है। लेट्स गो देयर एंड एंजॉय आवर न्यू كار. في الحياة من الصحاب ومن يأمن يا دنيا دواهي. Meet my new lady properly. As you guys can see, this is the car. Already Altis X वाले bumpers लग चुके हैं, और उसके अलावा अभी यह टायर्स की हवा चेक कर रहे हैं सारों की, और पीछे भी माशाल्लाह माशाल्लाह। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ द कार, बाकी इंशाल्लाह इससे जो भी बनाएंगे आई डोंट नो, ट्रस्ट मी। मैं बस जब मैं प्रियस पहली बार मैंने ये डिसीजन लिया कि उसको मैं रेडी करूँ, तो मैं उसको घंटों घंटों तक देखता था और सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि मैं वहाँ उसके साथ मेरा एक नज़दीक कमरा था। लेकिन इसके साथ तो इसके बारे में भी सोचेंगे, वही तो फुली स्टॉक है अभी। 0 to 100 आप लोगों को चेक कराएंगे, और उसके बाद जब मैं काम सारा काम कल वाला काम करूंगा, ये जो इंजन ऑयल वगैरह है, फिर दोबारा आप लोगों को 0 to 100 चेक कराऊंगा। बताए भाई जान क्या सीन है, क्या हालात है, क्या रिव्यूज है ग्रैंडी का? सिविक सिविक है भाई। सिविक छोड़ो, ग्रैंडी का बताओ, ये कैसी ग्रैंडी है, क्या रिव्यू है आपका? ब्रिक्स में ठीक है, कम्फर्ट है, बहुत बहुत बस डिसेंट है, बहुत कुछ है, लेकिन ग्रिप में ग्रिप छोड़ो ना, उसकी बात ना करें। इसमें VSC नहीं है जो कि व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट होता है, वो उसमें अवेलेबल नहीं है। बाकी आपका क्या सीन है भाई जान, आप बताइए। मेरा ये सीन है, वो जल्दी
इसको मॉडिफाई करो फिर उस ग्रैंडी का लुक आएगा। क्योंकि ग्रैंडी बहुत ज्यादा स्टॉक बुरी लगती है क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर होती है, लेकिन वो ऊपर होना आपको मतलब अगर आप एक स्टॉक लवर है तो वो ऊपर होना आपको फिर बहुत काम भी आता है, हर जगह चढ़ जाती है। By the way, ये जो रेज आप लोगों ने देखा, यू कैन से 90% पाव था क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खराब सीन है, ये मैट वगैरह मैंने हटाए नहीं थे, फुल पाव नहीं लगती। भाईजान अभी कोई भी नहीं जानेगा मुझे, लेकिन जब बम्बा आती थी ना तो सारे समझते थे। अदनान भाई को अभी पता नहीं है, लेकिन शायद उसने मुझे शीशे से देख लिया, वहाँ खड़े अभी तक उसको नहीं पता। अच्छा अभी भी नहीं समझा, अच्छा अभी तक देखा नहीं उसने मुझे अभी भी नहीं समझा पहचान तुम अदनान भाई भी गाड़ी चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह हर किसी को पसंद आ रही है। तीन हॉर्न्स अवेलेबल है हमारे साथ, ये क्या है, पंप टीथ ये सारे साउंड से तीन हमारे साथ लेकिन शायद अभी चेंज ना करो, इसके साथ फिर कभी देखेंगे। अभी खैर टेंट वगैरह करते, फॉग लाइट्स वगैरह चेक करवा रहे, फिलहाल वाइट में सबसे जो बेस्ट है ये वाला है, लेकिन इसमें अभी ये पता नहीं चलता कि इसमें लाइन वगैरह है या नहीं। देखिए लाइन भाई ना इसमें मुश्किल है, वो जो नहीं होता वो जो ज़बरदस्त, वो जो वो तो बहुत फिर एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये फिलहाल यही वाला है। लेकिन लेट्स सी इसके साथ भी कुछ करते हैं क्योंकि या भी फिलहाल येलो लगे हुए है वो बहुत ज़्यादा बदसूरत लगते हैं। शुक्र है दरअसल मिल गया ये 20-32 वाला, ये भी चेंज कराती है। अभी सिल टेक हो गया आप लोगों का ऑटो लॉक सिस्टम, ये शश का मैंने अभी तक एक गाड़ी में भी नहीं था मेरे वाला, यार ये ऑटो लॉक क्यों नहीं होता। क्या सिस्टम है यार, वो देखो की डिटेक्टेड इन व्हीकल, इस वजह से नहीं काम कर रहा था, मैं समझा क्या हो गया, उसमें फाइल पड़ा है, उसमें चाबी है उसमें का। अभी देखो सबर बंद तो हो जाए, ऑटो अनलॉक। इस चीज की मैं बात कर रहा था, जो लाइन की मैं बात कर रहा था, ये ओरिजिनल टोयोटा वाले है जो ओरिजिनली लगे होते हैं, जो पंपर्स वगैरह चेंज करते हैं तो फिर उसमें जाहिर बात है, दे देखो इस लाइन की मैं बात कर रहा था। खैर बजट वजट वगैरह ठीक कराते हैं फिर लगाते हैं। चलो भाई मैं समझ रहा था ये फुल स्टॉक है, स्टॉक नहीं है, ये देखो अभी निकाल दिया तो वो चेक करो, फ्रंट वाला भी 25 पीसर है, ये भी सौ करते हैं, और पीछे वाला भी ऑलरेडी स्पेक्ट्रम लगा हुआ है, लोकल नहीं लगा हुआ। आया का ना आया का ना ये जो शेड दे रहा है एक किस्म का शेड है पीछे से, ये वो बोल रहा है कि ये ऊपर से है, इसको बफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। ये देखो अभी सब हो गया, हाय हाय हाय, वो दरवाजा खुला हुआ है इसलिए कुछ थोड़ी बहुत नजर आए, लेकिन इसमें फिर कुछ भी नजर नहीं आता। लुकिंग फॉर मोर एक्सेसरीज यू नो, चीजें ट्राई कराते हैं कि किस तरह लगते हैं, पसंद नहीं आया। ये लिप है लेकिन थोड़ा बड़ा, ये फिर गुजारा हाल है। अच्छा वो वाला है, टीआरडी वाला नहीं
पर्दे शर्दे भी आ गए, फ्लेक्सिबल पर्दे। और टेंट फिलहाल हम फ्रंट नहीं कर रहे हैं बाय द वे, ये जो ये फ्रंट है और ये फ्रंट है, परमिट वगैरह का इंतजार करेंगे, फिर इसके साथ भी देखते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल स्टॉक लाइफ एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा मतलब पुलिस से हट के लाइफ एंजॉय करेंगे ताकि तंग ना हो फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल इंशाल्लाह वापस वो टेंट वगैरह आएंगे। यार यहाँ से गुजर रहा था मम्मा चेक कर रहा था इधर से हमने ये लिया था और उधर सबर सबर पता नहीं किसके साथ होगी वो देखो बेचारी। अच्छा तो बॉयज जब आप नई गाड़ी लेते हो स्पेशली व्हेन इट्स ओल्ड, तो सबसे पहले मेरी तरफ से तो दो काम बहुत जरूरी है। जब आप लेते हो लेने से पहले तो एक लेने का तरीका है जो कि आप चेकिंग वगैरह कराते हो, फ्रेम वगैरह चेक करते हो, एक्सीडेंट है नहीं है, लाइट्स चेंज है नहीं है एक्सेट्रा। उसके अलावा जब आप लेते हो तो उसके बाद इंजन ऑयल एंड ट्यूनिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इनको हम चेंज करेंगे, ये सब कुछ हम कल करेंगे और मैंने बहुत तरीके सीखे हैं ट्यूनिंग में, वो सब कुछ कल बताता हूँ आप लोगों को। स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज़ व्लॉग। और उसके अलावा इंजन ऑयल जो लगाना है कितने में कौन सा वाला मिलता है वो सब कुछ भी कल बताता हूँ, और वो आपको गाड़ी को किस तरह रखेगा वो भी कल बताता हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और इसी के साथ एक 0 to 100 आपको नजर आएगा आफ्टर आई एंड दिस ब्लॉग, क्योंकि वो भी फोर वाला होगा, और आफ्टर वाला जब हम कल सब कुछ करेंगे तो एक 0 to 100 सेम तरीके से कराएंगे ताकि हमें पता चले कि डिफरेंस आता है या फिर नहीं, और गाड़ी का जो चलने का सिस्टम वगैरह है वो भी कल बताते हैं आप लोगों को। तो इसी के साथ अपना आज का व्लॉग करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज। 0 to 100 इन नॉर्मल डी बिफोर इंजन ऑयल एंड ट्यूनिंग। 3, 2, 1, गो।